ध्यान से सुनिए, वो सब सारी समस्याओं का जाना और आपकी परिस्थितियों में सुधार आना मतलब रखता है इस वचन से। जैसे जैसे इस वचन का फॉलो आप करते, जैसे जैसे ये वचन आपके हृदयों में आते जाते हैं, वैसे वैसे आपकी लाइफ में आत्मिक रीति से सुधार आता है और फिर भौतिक रीति से आप अपने जीवन में आशीषों को देख पाते हैं। तो लूका रचित शुभ समाचार 16वां अध्याय 19वीं आयत को हम पढ़ेंगे आपके लिए। चलिए सब जन हमारे साथ जल्दी से खोलेंगे लूका रचित शुभ समाचार 16वां अध्याय का 19वीं आयत से हम पढ़ेंगे आपके लिए। बाइबिल आप सामने रखें और देखें प्रभु आज क्या कहने वाले हैं। एक धनवान मनुष्य था जो बैजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। 20वीं आयत में लिखा है कि लाजर नाम का एक कंगाल घाव से भरा हुआ उसकी डेहड़ी पर छोड़ दिया जाता था। 21वीं आयत, और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। 22वीं आयत में लिखा, ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुँचाया और वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया। 23वीं आयत कहता है, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। 25वीं आयत, परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, याद कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसी ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। 26वीं आयत, इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड़ाहा ठहराया गया है, जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे तो वो ना जा सके और ना कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। 27वीं आयत, उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, वह उनके सामने इन बातों की गवाही दें कि ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आएं। 29वीं आयत, अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। 30वीं आयत, उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुए में से उसके पास जाए तो वो मन फिराएंगे। 31वीं आयत, उसने उनसे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ता की नहीं सुनते तो यदि वो मरे हुए में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, बहुत ही गंभीर समस्याओं का हल प्रभु आज बताने जा रहे हैं, आपको ध्यान से सुनने की जरूरत है। यहां देखिएगा कि इस दुनिया में धनवान व्यक्ति कितना भी धन, कितना भी प्रॉपर्टी, कितना भी कुछ रख लेता है, पर उसके आगे उसका जीवन क्या है? उसके आगे देखिए, मैं आपको बताता हूं, आपको इस बात पर विश्वास करना ही पड़ेगा कि जब मैं शरीर में हूं, आपके पास धन है, आपके पास प्रॉपर्टी है, आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, पर जब ये शरीर खत्म होगा तो वो आत्मा इस शरीर को पहनकर क्या क्या कारनामों को किया है, इस बात का लेखा आपको देना ही पड़ेगा। इस बाइबिल आज इसी बात पर आपको समझाने का प्रयास कर रही है मेरे प्रियो, क्योंकि आज से 2000 साल पहले आपको मालूम होवे कि पिता ने अपना इकलौता पुत्र भेजा, अपनी आत्मा दी, अपना प्रिय पुत्र दिया और उसने शरीर को पहना, और शरीर को पहन करके आकर के इसी धरती के ऊपर उसने हर भलाइयों को किया जो पिता की ओर से होती हैं, और भलाई करके इतना भलाई किया कि उसने हमारे पापों को अपने ऊपर लिया और सूली पर अपने प्राणों को दे दिया और तीसरे दिन मृत्यु को हराकर जिंदा हो गया। यह सब कारनामा हम देखते हैं कि एक आत्मा भेजी गई मरियम के गर्भ में और उसने शरीर को धारण किया, शरीर को पहना,
और जब आत्मा ने शरीर को पहना, वो आत्मा किसकी थी? परमेश्वर की। उसने शरीर को धारण किया और वो आत्मा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार इस धरती पर वो पिता के वचनों के अनुसार अपने कामों को पूरा किया। तो आप देख रहे होंगे कि यीशु मसीह ने किस तरीके से रहा, प्रभु कैसे अपनी जिंदगी व्यतीत किया। यहां पे देखिए मेरे प्रियो, यहां पर एक धनवान व्यक्ति है जो कि उसके पास बहुत धन है। वो मलमल का कपड़ा पहनता है, प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम से अपने भाइयों के साथ में, अपने परिवारों के साथ में रहता था। पर वहां पर एक गरीब व्यक्ति था, उसका नाम था लाजर। वो प्रतिदिन उस धनवान व्यक्ति की डेहुड़ी पर बैठा दिया जाता था कि कुछ मेज से राजा की जूठन गिरे और वो लाजर उसे खा सके। या और दूसरी आशा ये भी थी कि ये इसके अंदर दया आ जाएगी और मेरे घाव पर ये पट्टियां बांधेगा। प्रतिदिन लाजर उसकी डेहुड़ी पर बैठा दिया जाता था। देखिए ध्यान से सुनिए, दोनों के पास परमेश्वर के वचन थे। लाजर के पास, लाजर भी प्रभु को जानते थे, इनके पास भी परमेश्वर के वचन थे, भविष्यवक्ताओं के वचन थे, और उस धनवान व्यक्ति के पास भी भविष्यवक्ताओं के वचन थे। पर देखिएगा वहां पर किस तरीके से प्रभु बता रहे थे कि वो लाजर, वो गरीब था, उसके घाव पर कुत्ते उसके घाव को चाटते थे, उसकी दशा ठीक नहीं थी। अभी आप सुनते जाइएगा, आंसर आपको सही मिलेगा। और वो प्रतिदिन बैठा दिया जाता था इस आशा से कि वो धनवान व्यक्ति इस बूढ़े लाजर को कुछ खाने के लिए देंगे और उसके घाव पर पट्टी बांधेंगे, दया करेंगे। पर ऐसी ही समय गुजरता गया, बीतता गया मेरे प्रियो, पर उस धनवान व्यक्ति ने ऐसा कुछ भी दया उस लाजर के ऊपर नहीं किया। पर देखिएगा एक दिन, ध्यान से सुनिए, ये पृथ्वी है, यहां मौत का स्वाद सभी को चखना है। हाँ, मौत का स्वाद सभी को चखना पड़ेगा, शारीरिक मौत होनी है आपकी, सोच लीजिए। और वो लिखा है कि वो धनवान व्यक्ति एक दिन मरा और वो पीड़ा की जगह में लेके जाया गया। और ये वचन पढ़ने से बहुत सारी चीजों का हमें जानकारी भी मिलेगी कि हकीकत में प्रभु किस तरीके से लोगों को रख सकते हैं, आइडिया हमें मिल जाएगा आज। और जब धनवान व्यक्ति मरता है तो वो एक पीड़ा के जगह पे जाता है, दर्द की जगहों पर चला जाता है। पर जब लाजर मरता है तो बाइबल लिखता है स्वर्ग के दूत उसे उठा करके अब्राहम की गोद में शांति के स्थानों में उसे रख देते हैं। मेरे प्रियो, बातों को समझना है आज। जब वो पीड़ाओं के जगह में जाता है तो यीशु मसीह जो सब कुछ जानते हैं, उन्होंने उस बात को भी बताया कि जब वो पीड़ाओं की जगह में गया, वो पीड़ाओं में तड़प रहा था, दर्द से चिल्ला रहा था, और उसी एक दूर आगे आगे और पीछे लाजर भी वो जाते हैं। हाँ, और लाजर जब उस सुखलोक में जाता है, शांति के लोक में जाता है, तो वहाँ अब्राहम थे और अब्राहम ने उनका आदर किया और उन्हें बुलाया। और उनको जो चिल्ला रहा था धनवान व्यक्ति, उससे कुछ बातें करते हैं वहां पर। देखिए प्रियजनों, वहां पे बाइबल क्या लिखती है कि 23वें में लिखा है, अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। देखिएगा प्रियजनों, ये घटना आपकी आंखें खोलेंगी आज। ये घटनाएं जो आज प्रभु जी बता रहे हैं नए नियम में, ये चीजें बहुत सारे लोगों की आंखों को खोले गए आज। किसने देखा? वो जो पीड़ा में पड़ा हुआ व्यक्ति था, धनवान व्यक्ति, पीड़ा में, दर्द में कराहते हुए उस व्यक्ति को देखा जो सुख लोक में है, अब्राहम के साथ है। और लिखा हुआ है उसने पुकार कर कहा, हे पिता, हे अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। मेरे प्रियो, ये कड़वी सच्चाई है, इस सच्चाई को आपको मानना ही पड़ेगा। क्योंकि हर पढ़ाई के बाद, हर क्लास में आपको एग्जाम देना होता है, ये सभी लोग उदाहरण देते हैं।
उसी तरीके से इस धरती पर मेरे प्रियो बातों को समझना है। अगर आप सही हो तो आप एग्जाम में पास होगे, अगर आप गलत हो तो आप एग्जाम में फेल होंगे। जो पास होता है वो सुख लोक के स्थान पर वास करेगा, जो फेल होगा इस धरती पर वो एक पीड़ाओं की जगह में जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज यहां पर देखिएगा वहां की कंडीशन के बारे में मैं आपको बताता हूं। जहां पर वो अधोलोक में गया है, भेजा गया है वो धनवान व्यक्ति, वो लाजर से बोल रहा है कि लाजर एक उंगली, केवल एक उंगली से पानी डुबो करके मेरी जीभ पर ला के रख दे। आप कल्पना कर सकते हैं कि वहां कितना भयानक दर्द और ज्वाला भरा स्थान है, कितनी ही तपन भरी वो जगह है, कितनी दर्द से भरा हुआ वो स्थान है जहां पर वो धनवान व्यक्ति भेजा गया है। अब आप कुछ लोग सवाल करेंगे कि ये धनवान व्यक्ति आखिर वहां क्यों चला गया और लाजर सुख लोक में चला गया, क्या गरीब होना हमारे लिए अच्छा है क्या? कुछ लोग ये भी सवाल करते हैं कि भाई लाजर गरीब है, क्या इसी वजह से स्वर्ग चला गया? क्या धनवान व्यक्ति स्वर्ग नहीं जा सकते? क्या धनवान व्यक्ति सारे लोग अधोलोक में पीड़ाओं में जाएंगे क्या? ऐसा नहीं है प्रियो। आज उस सारे प्रश्नों का उत्तर प्रभु आपको देने वाले हैं। और यहां पे बाइबल कहती है कि देखिएगा, यहां पर हम जब एक ऐसे कैरेक्टर को देख रहे होते, प्रभु जी इसका बखान करते हुए बता रहे थे और यहां वो कह रहे थे कि 25वीं आयत में लिखा है, अब्राहम ने कहा, हे पुत्र तू स्मरण कर, तू याद कर, जब तू इस धरती पे रहा तूने अच्छी अच्छी वस्तुएं ली पर लाजर बुरी वस्तुएं, पर वो अब शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है, तू तड़प रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि लाजर गरीबी अवस्था में था इसलिए वो शांति पा रहा है, और धनवान व्यक्ति धन उसके पास बहुत ज्यादा धन था इसीलिए वो दुख पा रहा है, ये भी नहीं है। मेरे प्रियो, इस पूरे वचन का जो मतलब है उसे प्रभु जी आज आपको बताएंगे। देखिए मेरे प्रियो, इसमें बहुत सारी चीजें आज परमेश्वर आपको बताने वाले हैं। और यहां पे देखिएगा कि जिस तरीके से इस धरती पर जीवन जीने के लिए हर एक को मौका मिलेगा, यहां पर धनवान व्यक्ति भी होगा, गरीब व्यक्ति भी होगा, पर धनवान व्यक्ति अपने जीवन में किस तरीके की मानसिकता रख करके इस धरती पर वो जी रहा है अपने शरीर को लेकर। क्या उसके पास धन आ गया तो वो धन को केवल अपने सुख विलासों में या अपने भाइयों में ही सुख विलास में ही वो अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है, या उस धन के द्वारा दूसरे लोगों को भी मदद कर रहा है? मेरे प्रियो, यहां बातों को समझना है। यहां पर धनवान व्यक्ति के डेवड़ी पर कोई व्यक्ति बैठा दिया जाता था, उसका नाम लाजर था। अब धनवान व्यक्ति का कर्तव्य क्या है? अगर आपके पास धन है तो आपके पास निश्चय ही कोई ऐसा काम निकलेगा जहां पर आप दया कर सकते हैं। यहां पर धनवान व्यक्ति के पास भी वचन थे, ऐसा नहीं है, उसके पास भी ये बाइबल थी, पवित्र शास्त्र था, लाजर के पास भी था। पर यहां पर देखिए कि किस तरीके का कैरेक्टर निभा रहा है वो धनवान व्यक्ति। धनवान व्यक्ति के डेवड़ी पर प्रतिदिन वो लाजर पहुंचा दिया जाता था और वो कराह रहा था, चिल्ला रहा था, ताक रहा था उस धनवान व्यक्ति की मेज के ऊपर, उन रखे हुए सुंदर सुंदर भोजनों को, उन पहने हुए सुंदर सुंदर कपड़ों को वो देख रहा था, देख रहा था, देख रहा था। सारे लोग सुंदर सुंदर चीजें खा रहे थे पर लाजर के घाव पर मक्खियां बैठी हुई थी और कुत्ते उसके घाव को चाट रहे थे। ये बात धनवान व्यक्ति भी देख रहा था पर उसके अंदर उसका मन इतना कठोर हो गया था, उसका मन संसार का हो गया था, उसका मन पत्थर जैसा हो गया था, उसका हृदय में तरस खत्म हो चुका था, उसके हृदय में दया खत्म हो चुकी थी। वो देख कर भी दया नहीं कर रहा था, घाव पर पट्टियां नहीं बांध रहा था, उसके लिए भोजन की व्यवस्था नहीं कर रहा था। मेरे प्रियो, इतना सोच लो, कन्फर्म है इतना कि चाहे कितना भी शक्तिशाली व्यक्ति इस धरती पर क्यों ना हो,
उसे मरना ही पड़ेगा, उसे खत्म होना ही पड़ेगा, उसका शरीर खत्म होगा। और यहां पर भी उस व्यक्ति के अंदर हुआ, वो धनवान व्यक्ति बहुत धनवान था, उसके पास पवित्र शास्त्र थे, पर वो पवित्र शास्त्रों पर हम कहते हैं कि वो मनन नहीं करता था, वो उस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था, उस वचनों पर वो चल नहीं पा रहा था, और वो अपने घमंड में, अपने अहंकार में, अपने रुआब में, हम कह सकते हैं अपने ही आप को ताकतवर साबित करने के लिए, उस कभी भी उस बूढ़े लाजर की ओर उसने ध्यान नहीं दिया, उस पर कभी दया नहीं की। और लगातार बूढ़ा लाजर उसके ड्योढ़ी पर बैठा दिया जाता था, चिल्ला रहा था, कोई उसे भोजन नहीं दे रहा था, कोई उसे कपड़े नहीं पहना रहे थे, कोई उसके घाव पर पट्टियां नहीं बांध रहा था, कोई उसे भोजन नहीं दे रहा था, और वो लगातार इस आशा भरी नजरों से देख रहा था, पर कोई दया करने वाला उस घर में नहीं रहा। 6 भाई थे, कोई भी दया करने वाला व्यक्ति नहीं था। एक दिन धनवान व्यक्ति मरा, और वो पहुंचा दिया जाता है पीड़ाओं के जगहों पर, जहां पर पीड़ा है, जहां पर दर्द है, जहां पर रोना है, जहां पर बिलाप करना है। वो भी न्याय का वक्त नहीं है, न्याय के पहले ही हर बुरे काम करने वाले पीड़ाओं के जगह पे चले जाएंगे, जहां पर वो इस बात का एहसास करेंगे कि दर्द क्या होता है, मुश्किल क्या होती है, कठिनाई क्या होती है, क्या होता है जब हमारे पैरों में कुछ चोटें लग जाती हैं, हमारे शरीरों में कुछ छूता है आग, तो क्या होता है। प्रभु उन सारी बातों का असर आपके शरीरों में दिखाने वाले हैं, क्योंकि जब आपके सामने मौका दिया गया था, आपने उस मौके को आपने गंवा दिया। आपके सामने एक मौका आया, आपने उस मौके को गवा दिया, और वो मौका निकल गया आपके हाथ से, आपके हाथ से वो चांस निकल गया, दया करने का चांस निकल गया। मेरे प्रियो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है आज यीशु मसीह जो आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और लिखा है कि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं, वो व्यक्ति बोल रहा था, मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं, हे लाजर, उसी लाजर को जिसने इसके ड्योढ़ी पर बैठा दिया जाता था, आज उसी लाजर से एक बूंद की अपेक्षा कर रहा है वो व्यक्ति, वो धनवान एक बूंद पानी की अपेक्षा कर रहा है। पर यह असंभव है, क्योंकि बाइबल लिखा है, अब्राहम ने कहा, तू उस पार से इस पार नहीं आ सकता, ना तो मैं वहां तेरे उस पार आ सकता हूं, क्योंकि तेरे और मेरे बीच में एक बहुत बड़ा गढ़ा है जिसे मैं पार नहीं कर सकता। ये परमेश्वर की विधि है। मेरे प्रियो, आज अगर आप मसीह में हैं, तो पहाड़ी उपदेश जब प्रभु ने अपना सुसमाचार बताना शुरू किया, तो वहां पर मत्ती रचित सुसमाचार 5:7 को पढ़िएगा, तो लिखा है, दया धन्य है जो दयावंत हैं, उन पर दया की जाएगी। आप दया वालू, आप जब दयावंत बनेंगे, आप दया करने वाले बनेंगे, आपके अंदर सामर्थ्य होगी दया करने की, तब परमेश्वर भी आप पर दया करेंगे। मतलब यहां दया से निर्भर है कि आप कहां जाने वाले हैं। अगर आपका मन कठोर है, आपका मन निर्दयी हो गया है, तो आप शांति की जगह पर जाने की आशा नहीं रखिए। बहुत ही है, वो असंभव है कि आप शांति की जगह पर जाएंगे। बाइबिल यहां स्पष्ट बताती है, और प्रभु जी यहां पर स्पष्ट आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इस दुनिया में रहकर आप मखमल का कपड़ा पहनिए, कुछ भी सोने चांदी का कपड़ा पहन लीजिए, लेकिन एक दिन आपका शरीर नष्ट होगा और आप न्याय के लिए भेज दिए जाएंगे। और जो न्याय के लिए जब भेजे जाएंगे, तो वो कन्फर्म, जो पूर्ण न्याय होना है वो अभी नहीं होगा। ये ऐसा न्याय है कि प्रभु आपको दिखा रहा है आप किस जगह पे जाने वाले होंगे। आपका मन यदि कठोर है, आपका मन निर्दयी है, आपके अंदर दया नहीं है, तो आप ऐसी जगहों पर जैसे कहते हैं ट्रेलर, ये पहला ट्रेलर है, आपको ये भेजा जाएगा उस जगह पर जहां पर तड़प है, जहां पर एक एक बूंद के लिए आप तरसते हैं। मेरे प्रियो, आज यहां पर बाइबल बताती है उस दया के विषय में, आपने दया नहीं की,
आप कठोर हो गए। प्रभु ने कहा, पवित्र आत्मा वचन में लिखता है, जब आप पवित्र आत्मा के शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। प्रभु कहते हैं कि मैं वहां पर गया और मैंने वहां पर सोचा मैं बड़े आश्चर्य कर्मों को करूं, पर वहां मैंने थोड़े लोगों पर हाथ रख के उन्हें चंगा किया, क्योंकि मुझे उनके अविश्वास पर बड़ा ही चिंता हो रही थी। उनके अविश्वास पर, उनके मन की कठोरता पर प्रभु वहां चिन्ह और चमत्कारों को नहीं कर पाए। मेरे प्रियो, प्रभु कहता है दूसरी तरफ, मैं दीनता में ही मेरी सामर्थ्य प्रकट होती है। जो व्यक्ति दीन होता है, नम्र होता है, मैं अपनी ताकत वहीं दिखाता हूं। मैं घमंडियों के बीच में अपनी ताकत नहीं दिखाता, मैं अहंकारियों के बीच में अपनी उनके अंदर से अपनी ताकत नहीं प्रकट करूंगा। मेरे प्रियो, आज इस दया के वचनों को आपको ग्रहण करना ही होगा। आप सुनिएगा, दूसरा बात मैं आपको यह समझाने वाला हूं। आप कुछ लोग समझते हैं कि यहां जो लाजर बूढ़ा है उसके पास भी खुदावन के वचन थे, वो गरीब हो गया, वो लाचार था। ऐसा नहीं कि आप कभी धनवान नहीं बन सकते हैं, आप लाचार ही रहेंगे और लाचार व्यक्ति ही स्वर्ग जाएगा, धनवान नहीं जाएगा। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। वो प्रभु ये समझाना चाहते हैं, यहां पर कुछ प्रभु बताना चाह रहा है, हमें सिखा रहा है परमेश्वर, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने तो सारे लोगों को धनवान बनने के लिए वचन दे दिया ना। दूसरा ग्रंथियों 8वां अध्याय उसकी 9वीं आयत में लिखा, मैं तेरे लिए गरीब बना ताकि तू अमीर बन जाए। वो अपनी जगह है, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएंगे, समृद्धिमान बनाएंगे, पर यहां प्रभु आपको समझाना चाह रहा है दूसरी बातों को, दूसरी चीजों को समझाना चाह रहा है। क्या आपके पास धन है? क्या वो धन दयावान? क्या आप दया कर रहे हो? आपके अंदर ताकत आ गई? क्या उस ताकत का इस्तेमाल आप दूसरों की भलाई के लिए कर रहे हो? आप जब वहां बातें हो रही थी तो उसने कहा, 28वीं आयत में लिखा है, उसने कहा, हे अब्राहम, हे पिता, मेरे 5 भाई हैं और उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वो भी इस पीड़ा की जगह में आ जाए, क्योंकि स्वभाव उनके जैसा ही उनका भी है। प्रभु उनके पास कोई गवाही, कोई गवाहदार भेज दे। और उसने कहा, अब्राहम ने कहा उनके पास तो भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वो उनकी सुने। इसका मतलब साफ साफ है मेरे प्रियो कि ये धनवान व्यक्ति के पास बाइबल था, इस धनवान व्यक्ति के पास पवित्र शास्त्र की किताबें थी, वचन था इसके पास, पर इसने कभी नहीं सुना वचन, कभी नहीं सुना। अगर इसने वचन सुना होता, वचन को फॉलो किया होता, तो इसका मन कभी भी कठोर नहीं रहता, इसका मन नम्र हो जाता और वो जिस पर दया करनी है उस पर ये दया कर देता और आज उस जगह पे नहीं पहुंचता। और कहता है उसने, उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, यदि कोई मरे हुए में से उसके पास जाए तो मेरे भाई लोग मन फिराएंगे। उसने कहा, नहीं, जब मूसा और भविष्यवक्ता की आप बात नहीं सुनते हो, उनके वचनों को नहीं सुनते हो, तो मरे हुए में से कोई जिंदा भी अगर होकर जाएगा तुम्हारे भाइयों के पास तो भी वो लोग नहीं मानेंगे। इसलिए आज हम आप लोग धन्य हैं मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, हम लोग धन्य हैं कि हम लोग इस बात पर विश्वास करते हैं, हमारे पास परमेश्वर के वचन दिए गए हैं और हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, उसके वचन पर मनन करते हैं, उसके वचन को लेकर आगे बढ़ जाते हैं। मेरे प्रियो, ये वचन हमें उस पीड़ादायक जगहों से बचाने वाला है, ये वचन हमें उस दर्दनाक स्थिति से छुड़ाकर हमें उस शांति की जगह पे पहुंचाने वाला बन जाएगा। आज वो धनवान व्यक्ति बहुत जिया, बहुत सुंदर सुंदर चीजें खाई, बहुत स्वादिष्ट चीजें अपने जीवन में इस्तेमाल किया, बहुत ही ऐसो आराम से वो जिंदगी जिया धरती के ऊपर, पर एक असली जिंदगी जो उसका शरीर छूटने के बाद जो एक आत्मिक व्यक्ति है वो कहाँ जाने वाला है? देखिए, ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर है जो आत्माओं को भी दंड दे सकता है, इस बात को समझिएगा आप। पर आत्मा मरती नहीं, पर उसे दंडित कर सकता है, वो उसे दंड दे सकता है, उसे पीड़ाओं में डाल सकता है वो।
वो परमेश्वर का आइडिया है, उसके विषय में हम ज्यादा आपसे नहीं बात करेंगे। वो परमेश्वर है। आज इस वचन को पढ़ते समय हमें प्रभु क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं? अगर आपके सामने कोई व्यक्ति आता है, निर्धन है, कैसे भी है, अगर वो आपसे अपेक्षा करता है, आपसे वो चाह रहा है कि आप हम पर कुछ दया करें, अगर वो दया के योग्य है व्यक्ति, तो हमें उस पर दया करनी ही चाहिए। यीशु आश्रम मिनिस्ट्रीज की हर लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।